हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सिंपल इजी लर्निंग और मैं हूं रश्मि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अपोजिट वर्ड्स और ये हमारा अपोजिट वर्ड्स एलकेजी क्लास और यूकेजी क्लास दोनों के लिए है हमारी जो एलकेजी क्लास में अपोजिट वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसको ऑन करके हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा अपोजिट वर्ड्स देते हैं वो होता है यू क्लास में और वो किस तरीके से होगा चलिए मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ

और ये एल के जी के बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि ये उनसे भी रिलेटेड है तो फिर चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या है ड्रॉ अ लाइन टू मैच विद द अपोजिट्स यहाँ के वर्ड से हमें यहाँ के वर्ड्स को मैच करना है यहाँ पर हमारा है स्वीट तो स्वीट का क्या होता है सार आप इसको साढ़ भी बोल सकते हैं आप इसे सावर भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ओ यू आर है ना इसको लोग आवर भी बोलते हैं और लोग आर भी बोलते हैं तो उसी से रिलेटेड हमारा ये सार या फिर सावर कहलाता है तो आप जो बोलते हैं उसी अनुसार आप इसको कर सकते हैं तो फिर ये हो गया हमारा सार फिर ये क्या है हमारा कोल्ड कोल्ड का क्या होता है हॉट तो यहां हमारा हॉट है और बच्चा इसको इस तरीके से मैच करेगा फिर वैसे ही डाउन डाउन एरो है तो अप एरो से हमारी मैच हो जाएगी मून है स्टार्स है तो क्या है हमारी नाइट तो ये हो गई हमारी डे हैप्पी का सैड यहाँ पर हमारी ट्रैफिक लाइट है और ट्रैफिक लाइट में हमारी ग्रीन लाइट बताती है गो और रेड लाइट बताती है स्टॉप तो ये हमारी हो गई गो एंड स्टॉप हमारी अपोजिट वर्ड्स नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स हमारी इस टाइप सी होगी इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कहूंगी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं साथ में आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप अपने बच्चों की पढ़ाई जल्दी से जल्दी जल करा पाए तो फिर चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है इन वर्कशीट में मैंने हमेशा कोशिश की है कि जितना हो सके उतने ज्यादा मैं वर्ड्स एड ऑन कर दूं ताकि बच्चे को उतना ही ज्यादा वेरिएशन मिले तो फिर यहाँ क्या है सर्कल करेक्ट अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर मैंने इन दिया है तो बच्चे को उसके अनुसार सर्कल करने हैं जो उसका अपोजिट हो तो बिग तो नहीं है ये हमारा होगा आउट फिर वैसे ही हैवी की लाइट लॉन्ग की शॉर्ट यहां पर हमारे नियर है क्योंकि टू कार्स जो है और उसकी डिस्टेंस हमारी कम है तो ये हो गई नियर और ये दोनों दूर है यानी कि डिस्टेंस हमारी दूर है तो ये हो गई हमारी फार यदि आपको मेरी वर्कशीट अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक like कर दीजिएगा हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है कलर अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर बच्चे को अपोजिट वर्ड को कलर करना है मैंने यहाँ पर पिक्चर को अच्छे दिखने के लिए कलर कर दिया है आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और बच्चे को ही कलर करने के लिए दीजिएगा मैं यहाँ पर अपोजिट वर्ड को कलर नहीं अब सर्कल करने के लिए कह देती हूँ तो फिर क्या है सर्कल द करेक्ट अपोजिट वर्ड या फिर सर्कल अपोजिट वर्ड तो यहाँ पर हमारा क्या है टॉल तो टॉल का क्या हो जाएगा शॉर्ट और बच्चा यदि कलर करने के लिए है तो इसको कलर करेगा और यदि नहीं है तो फिर इसको सर्कल कर देगा इस तरीके से आप टू तरीके से इसको बना सकते हैं फिर वैसे ही फुल है तो फुल का क्या है एम टी यहाँ पर देखिए मैंने जो नेक्स्ट वर्कशीट थी उससे कुछ अलग वर्ड्स दिए हैं ताकि आपको और ज्यादा वर्ड्स पता हो कि हाँ हम लोग इस बच्चे को क्या क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं फिर वैसे ही यहाँ पर फ्रंट है और फ्रंट का क्या होता है बैक नाइट तो होता नहीं है तो इस तरीके से आप फ्रंट का बैक भी वर्ड दीजिएगा फिर आता है हमारा फैट फैट का क्या होता है Thin. ड तो नहीं होता है तो इस तरीके से आप मैं हमेशा कोशिश की हूँ कि जितना हो सके उतने न्यू वर्ड्स बच्चों को एड ऑन करा दू फिर वैसे ही हमारी राइट right है तो राइट right की हमारी अपने ही लेफ्ट होती है इस तरीके से आप दे दीजिएगा आप क्रॉस आउट करने के लिए भी दे सकते हैं कि क्रॉस आउट द वर्ड विच डोंट हैव द अपोजिट वर्ड्स मतलब इसमें जो अपोजिट नहीं है उसको आप क्रॉस आउट करिए तो जैसे कि यहाँ टॉल था तो शॉर्ट नहीं करते लॉन्ग को क्रॉस आउट कर देते हैं नेक्स्ट वर्कशीट है राइट वर्ड्स इसमें बच्चे को राइट करना है आप यहाँ पर पिक्चर भी बना सकते थे जो कि वेट की थी लेकिन मैंने नहीं बनाया है ताकि बच्चों को और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट भी देनी चाहिए बच्चों को तो फिर ये क्या है ड्राइट ड्राई का क्या हो जाएगा वेट फिर वैसे ही बिग का स्मॉल मैंने जो भी लिखने के लिए दिया है वो बहुत ही इजी इजी वर्ड्स है आप भी जो लिखने वाले वर्ड्स दीजिएगा वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं दीजिएगा क्योंकि बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी उसमें फिर वैसे ही बॉय का गर्ल फास्ट का क्या होता है हमारा रैबिट है यानी कि फास्ट दौड़ता है तो क्या हो जाएगा फास्ट का स्लो और यदि ये यहाँ पर कुछ और रहता तो हम लोग यहाँ पर ट्रॉटाइज बना देते और इसका यहाँ पर हमारा फास्ट हो जाता है स्लो का नेक्स्ट वर्कशीट हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और ये इस टाइप से होगी जो कि हमारा बच्चा यू के जी क्लास में लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल पढ़ता है तो इस तरीके के वर्ड्स को बनाना अच्छे से सीख जाएगा और उसके अपोजिट भी याद कर लेगा तो फिर क्या है गुड तो गुड का क्या हो जाएगा बैड इसमें हमें सर्कल करना है फिर वैसे ही क्लीन क्लीन की होती है डर्टी कोल्ड कोल्ड का हॉट फिर स्ट्रोंग स्ट्रांग की वीक थिक की, thin. मैंने पहले से बना के रखा था हार्ड हार्ड की होती है सॉफ्ट इस तरीके से आप यदि रफ है स्मूथ यहां लिख दीजिएगा और वो रफ उसकी अपोजिट हो जाएगी यहाँ ओल्ड है तो ओल्ड का यंग इसी तरीके से आप अलग अलग भी दे सकते हैं जैसे कि यहां पर ओल्ड लिख दिया और यहां पर यंग लिख दिया इस तरीके से आप एक और नई वर्कशीट बना सकते हैं फिर यहां पर है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल की अगली और यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा मैंने जितने भी वर्कशीट दिए हैं उसमें हर एक में मैंने न्यू न्यू वर्ड्स दिए हैं ताकि बच्चे को ज्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो और उनकी वोकेबुलरी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो यदि आप एल के जी क्लास और यू के जी क्लास के इंग्लिश वर्कशीट की सीरीज देखना चाहते हैं ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा थैंक यू